खमा गणेशा, आज मैं आपको बटर पनीर मसाला की सब्जी बनाकर बताऊंगी। यह बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने मीडियम साइज में काट दिया है। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा काट सकते हैं। तो इस पर मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालना था, यह आप शुरू में ही डाल दें। अब हम हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाकर 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे, ताकि जो मसाला है पनीर पर अच्छी तरह से लग जाए। अब गैस लगाकर पैन रखा और 2 चम्मच लिया है हमने घी। घी गरम हो गया है तो अब हम डालेंगे यह मसाला लगाया हुआ पनीर, और आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। एक बार हल्के से इसे मिला लेते हैं। हल्के हाथों से मिलाना है ताकि जो हमारा पनीर है वह टूटे नहीं। अब हमें पनीर को दोनों तरफ से अच्छा फ्राई करना है। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो अब हम इसे पलट लेंगे। धीरे धीरे पलट कर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से हम फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर पनीर हमारा फ्राई हो गया है। आंच को आप ज्यादा तेज नहीं रखें वरना मसाला जल जाएगा। मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और पैन को रख देंगे। अब गैस पर कढ़ाई रखी है और 2 चम्मच हमने लिया है घी और 1 बड़ा चम्मच लिया है बटर। मैंने यहाँ पर व्हाइट बटर लिया है, घर का बनाया हुआ, आप बाजार वाला भी ले सकते हैं। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, खड़े गरम मसाले जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची है, इसे हल्का सा भून लेंगे। अब 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए हम इसमें डालेंगे। प्याज को हमें बारीक काटना है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो गया, प्याज हमारे अच्छे भुन गए। तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अब हम इसे भी अच्छी तरह से भुनेंगे। यहाँ पर हमें प्याज, लहसुन, मसाले सब अच्छी तरह से भुनना है। जितना बढ़िया हम मसालों को भुनेंगे उतना ही सब्जी हमारा अच्छा होगा। तो अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच डाला है भुना हुआ बेसन। कच्चा बेसन नहीं डालना है, भुना हुआ बेसन डालना है। 1 छोटा चम्मच ही, ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं है, नॉर्मल छोटा चम्मच है वही। बेसन को हमने 2-3 मिनट भून लिया। फिर हम डालेंगे 2 टमाटर पीसे हुए, इसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। और अब हम टमाटर को पकाने तक इसे भुनेंगे। आँच हमने मीडियम रख दी है और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। सब्जी के अंदर हमने जो बेसन भुना हुआ डाला है उससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी होगी, इसलिए हमने 1 छोटा चम्मच भुना हुआ बेसन डाला है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन गए तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच डाली है लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है हमने हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर डाला है। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें, अगर आप तीखा खाते हैं तो डालें और कम खाते हैं तो कम डालें, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। तो अब हमें मसाले भी अच्छी तरह से भुनना है। इसमें हमने बेसन डाला है तो मसाले तले में ज़रूर चिपकेंगे, तो आप लगातार इसमें चम्मच चलाते रहें और आंच को मीडियम रखें। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और जो घी और बटर है वह छोड़ने लग गया है। तो अब यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाला है और 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है। अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से भुनेंगे। अब हमने 1/2 कप डाला है ताज़ा दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लें, ताज़ा दही लें।
आधा कटोरी के करीब हमने दही लिया है और दही डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। तो देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हो गया है भुनकर। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर करीब 1.5 कप पानी डाला है। हमें इसमें ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी अच्छी होती है इसमें, लेकिन आप अगर कम ग्रेवी की चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, तो वो आप पानी अपने हिसाब से डालिए। तो मैंने करीब 1.5 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और अब ढक्कन लगाकर हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। लगभग 7 से 8 मिनट हो गए ग्रेवी को पकते हुए। आप देखिए ऊपर कोरमा अच्छा आ गया है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी अच्छी पक गई है। जैसे ग्रेवी पकेगी तो जो इसके अंदर कोरमा है, जो घी बटर है, वो ऊपर आ जाता है। तो अब हम इसमें जो तेज पत्ता है वह निकाल देंगे। अब ये जो हमने फ्राई किए थे पनीर, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिला देंगे। और ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, 5 से 6 मिनट हमने इसे और पका दिया। और देखिए आप कितने बढ़िया सब्जी की रंगत आई है और कितना अच्छा इसके ऊपर कोरमा आया है। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी बढ़िया यह सब्जी बनती है। तो मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हम डालेंगे 1/2 कप ताजी मलाई। मैंने यह घर के दूध की जो मलाई होती है उसे फेंट कर बनाई है। आप बाजार वाली क्रीम भी ले सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब हम क्रीम डालकर इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक बार अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। अब हम डालेंगे ताज़ा हरा कटा हुआ धनिया और गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच मक्खन, क्योंकि यह पनीर बटर मसाला है तो इसमें बटर बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता। लास्ट में 1 चम्मच आप बटर डालिए और अच्छी तरह से मिला दीजिए। लीजिए हमारा बटर पनीर मसाला तैयार है, आप भी बनाइए और खाइए। आप इसे रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ बनाकर खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।